हेलो, वेलकम टू फूड एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ जहर। और मैं हूँ मुनीबा। और आज हम आपके लिए जो डिश लेकर आए हैं वो है क्रीमी चिकन हाफ मून पाई। दैट्स सो यूनिक। यस, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी सी डिश है ये। ओके, तो हम इसके सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने उसके लिए लिए हैं 2 अदद क्रिस्पी फिलेट्स। ओके, ठीक है, जो हम फ्राई करके एक अच्छे से क्रिस्पी से हो जाते हैं वो वाले। ठीक, ओके। साथ में कुछ सब्जियां ली हैं मैंने, आधी प्याली मैंने मटर ली है। ओके, बॉइल्ड के नहीं, कच्चे हैं। ठीक है, एक प्याली मैंने गाजर ली है, उसको इस तरह से चॉप किया है। ठीक है, 2 शिमला की मिर्च ली है, ये एक प्याली के करीब बन गई है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है जितना मुमकिन हो सका है। ठीक है, और एक प्याली मैंने बंद गोभी ली है। ओके, ठीक है, बहुत थोड़ी सी मैंने प्याज लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ओके, और 1 लहसुन का जवा मैंने लिया है बड़ा वाला, उसको मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमें बटर चाहिए। ओके, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। ओके, और इतना ही मैंने पानी लिया है, 1.5 कप। ओके, ठीक है, और स्पाइसेस में मुझे चाहिए सॉल्ट एज पर टेस्ट। ओके, ओरिगैनो 2 पिंच, मिक्स हर्ब 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ठीक, हो गया। अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि मैंने एक नॉन स्टिक पैन ली है। ओके, और इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूँगी। ओके, जितना मैंने मैदा लेना है उतना ही पानी डालना है। ठीक, हो गया, दोनों की क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ये बटर ले रही हूँ, ये डाल रही हूँ। ठीक है, और उसके साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। ओके, क्योंकि बटर में भी पहले से नमक होता है ना, समझ गया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। ओके, ठीक है, अभी जब ये अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो इसके अंदर मैं मैदा डालूंगी। ओके, डिजोल्व हो गया है सारा बटर, मैं इसके अंदर ये मैदा डाल रही हूँ और साथ साथ इसको चलाते ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक, हो गया, इसको थोड़ा सा हमने तेजी तेजी से चलाना है। ओके, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और मैं साथ साथ कर रही हूँ, देखिए इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ही एकदम। ये इसकी एक अच्छी सी स्मूथ सी डो बन गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ओके, और इसको ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए, ये डो में बिल्कुल कोई क्रैक नहीं है और ये बिल्कुल स्मूथ है। ओके, ये मैंने निकाल लिया है। जब तक हमारी ये डो थोड़ी सी ठंडी हो रही है तब तक मैं ये चिकन फिलेट्स को फ्राई करूंगी। ओके, सिंपल फ्राई करना है जिस तरह से आप फिलेट्स फ्राई करते हैं। ओके, लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। ओके जी, ये फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल रही हूँ। ठीक, ओके, अब मैं इन दोनों पीसेस को चॉप कर लूंगी। ओके, पहले हम पीसेस कर लेंगे। ओके, और ये इसको फाइन चॉप फॉर्म में लेकर आ रही है। चॉप हो गया है, ठीक है। ओके, अब जो इसकी डो बनाई है थोड़ी सी उसके ऊपर मुक्की लगा लेते हैं। ओके, कितनी जबरदस्त डो बनी है इसकी, सॉफ्ट है और इसके अंदर लोच है, लोच आया है बहुत। अब इसको मैंने रैप कर दिया। ओके, जब तक हम अपना बाकी का मटेरियल रेडी करते हैं इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो रेडीमेड व्हाइट सॉस मिल रही होती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं उसको घर में बना रही हूँ। व्हाइट सॉस बनाना बहुत आसान है, आप लोग भी सीख लें इसी बहाने। एक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर मैं बटर डालूंगी। ठीक, आँच बहुत हल्की करनी है। ठीक है, व्हाइट सॉस के लिए हमने आँच बहुत हल्की रखनी है, वरना बटर भी जल जाएगा और सारी चीज़ें भी जल जाएंगी। ये बटर जैसे ही मेल्ट हो रहा है okay. मैं थोड़ा सा खिला रही हूँ। ठीक, हो गया, इसके अंदर मैं ये 1 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगा। ठीक, हो बटर की खुशबू आने लगी है क्योंकि ये सारा डिजॉल्व हो रहा है। अब इसमें ये मैदा डाल रही हूँ। ओके, मैदा डालने के बाद इसको अच्छे से चला रही हूँ ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने।
थोड़ी सी इसके अंदर चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा मैं घर में ही बना लूँ। ओके, अच्छी बात है ना, पता होना चाहिए, बाहर अवेलेबिलिटी ना हो तो हम घर में बना सकते हैं। ऐसे ही है, देखें ये मैंने मैदे और बटर को अच्छे से मिक्स कर दिया। ओके, अब इसके अंदर मैं हाफ कप दूध डाल दूँगी। ठीक हो गया। ठीक है, और इसको साथ साथ जल्दी जल्दी चलाऊँगी। चलाएँगे। ठीक हो गया। ये देखें, इसको तेज़ी से चलाती जा रही हैं साथ साथ, और साथ साथ मिल्क ऐड कर रही हैं ताकि इसमें गुठलियाँ भी ना बने और ये प्योर फॉर्म में आ जाए। साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। ओके, एज पर टेस्ट। ओके, साथ में 1 पिंच ओरिगैनो डालूंगी। ओके, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ठीक हो क्या? 1 पिंच सारा। okay. कुछ मैं 1 पिंच ही डाल रही हूँ। ओके, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त वाला हो जाएगा। एंड 1 पिंच वाइट पेपर। ओके, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये क्रीम की तरह गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया, क्रीमी हो गया ये। जी, इसलिए हमारी रेसिपी का नाम है क्रीमी चिकन हाफ मून पाई। ओके, क्रीमी का तो आपको मतलब पता चल गया, अब हाफ मून के लिए आपको रेसिपी आगे तक देखनी पड़ेगी। ओके, अब ये रेडी हो गया है, ये देखें। ओके, फुल क्रीमी हो गया। फुल क्रीमी हो चुका है। ठीक हो गया, सॉस बन चुकी है और अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। अब मैं इसका जो मटेरियल है बाकी का वो यूज़ करने लगी। ओके, मैंने एक कढ़ाई के अंदर जिसमें मैंने इसका बैटर पहले बनाया था उसी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए। ओके, उसके अंदर मैं ये प्याज और इसके साथ थोड़ी देर बाद ये लहसुन डालूंगी। ओके, प्याज ब्राउन हो जाएगा। ठीक हो, बहुत थोड़े ऑयल में करना है ये। ओके, प्याज हल्की सी मुरझा गई है, ब्राउनिश में हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये वाला लहसुन भी डाल दूंगी। चॉप्ड लहसुन इन्होंने डाल दिया है इसमें। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको। ठीक हो गया, वरना वो जला जला लगेगा, क्योंकि अभी वेजिटेबल्स भी इसके साथ फ्राई होंगी ना। ओके, खुशबू अच्छी आ रही है लहसुन और प्याज के फ्राई होने की। अब इसके अंदर मैं ये मटर डाल रही हूँ। ओके, साथ में ये गाजर। ओके, कैप्सिकम। ओके, एंड बंद गोभी। ठीक है, अभी सारी वेजिटेबल्स हम फ्राई कर लेंगे। इतना प्यारा कलर आ गया, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। व्हाइट सॉस में भी क्योंकि नमक है तो थोड़ा नमक मुझे ओके डालना पड़ेगा। उसके साथ डाल दूंगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ओके, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून। ओके, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ओके, टीस्पून। ओके, एंड 1 पिंच ओरिगैनो। ओके, सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से बस। ठीक हो गया, मैं अच्छे से भूनूंगी। ओके, और इसका कलर बहुत अच्छा और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, ताकि ये सब्जियाँ थोड़ी सी सोते हो जाएंगी ना इसमें। हाँ, सही हो गया। व्हाइट सॉस मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर सारी। ओके, और अब इसके अंदर साथ ही ये जो मैंने चिकन को चॉप किया था फ्राइड फिलेट, ये मैं इसको ऐड कर दिया। ओके, इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। ठीक, अब ये रेडी हो गया है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ठीक, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ओके, इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, इसी के अंदर मैं छोड़ रही हूँ। ओके, उसके बाद इसकी फिलिंग होगी। ठीक हो गया, अब मैं इसको देख लेती हूँ, ये हमारा रेडी हो गई है इसकी डो। इसको मैं हल्की सी और सेट कर देती हूँ। ठीक हो गया, ये पहले ही हमारी बहुत अच्छी, वैसे ये अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देखें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हुई है। ठीक है, ओके, और ये बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। ठीक हो गया, बाहर निकाल लिया, ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको बेलेंगे। ओके, और इसके ऊपर मैंने पहले से ऑयल लगा दिया है। ओके, इसको हम इस पर रखेंगे, इसको बेलते, ये बेल लिया मैंने। अब इस तरह का हम कोई भी कटर ले लेंगे, या मैंने ये ढक्कन ली है बोतल का। ठीक है, इसे इस पर हम कट्स लगा देंगे। ये मैंने साइडों से निकाल लिया। ओके,
ओके अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अभी मैंने स्पून में बैटर लिया है, जितना आपने भरना है, इसमें ज़्यादा नहीं भरा जाता, थोड़ा ही भरा जाता है। इसको ऐसे लंबाई के रूप में मैं भरूंगी। ठीक हो गया। अब इसकी फोल्डिंग है, अब इसको यहाँ से हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है। ऐसे करके यहाँ से हम इसको फिंगर से प्रेस कर देंगे। ओके। जिसकी शेप हाफ मून जैसी, ये देखें, ये आया इसकी स्टेज हाफ मून वाली। ओके। पहले आपने क्रीमी का देखा कि क्रीमी वाला कैसा था, और अब इसके बाद आ गया कि हाफ मून का क्या मतलब था। ओके। इसी तरह से हम जी बन गया हाफ मून, इसी तरह से हम बाकी सारे बना लेंगे। ये सारे हाफ मून्स बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ऑयल गर्म भी हो गया है। इसके लिए मुझे साथ में चाहिए ये थोड़े से ब्रेड क्रम्स और एक अदद अंडा कोटिंग के लिए। कोटिंग के लिए ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐसे फ्राई करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। वैसे भी हम फ्राई कर सकते हैं हाँ, लेकिन अगर हम लगा के करेंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे, लुक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ओके। अब मैंने ये पीस पकड़ा है, इसको पहले मैं अंडे में डिप करूंगी। ओके। अब क्रम्स के अंदर। ओके। ठीक है, ठीक हो गया। ऐसे ही मैं सारे करूंगी। ठीक हो गया। ठीक है, देखिए जी हाफ मून फ्राई हो रहे हैं। ओके। ठीक है, जब ये गोल्डनिश ब्राउनिश होंगे तब मैं इनको फ्राई करूंगी और फिर निकाल लूंगी। ओके। ओके जी, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए मैं अभी प्यारा कलर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह मैं बाकी सारे भी कर लूँगी। ओके। और फिर उनको भी निकाल लूँगी। ठीक हो गया। और अब ये रेडी हो गए हैं, ये देखें, और लग तो बहुत अच्छे रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें, और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।